हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? होपफुली यू आर गुड। और आज हम एक बहुत प्यारी आर्टिस्ट जो कि वन ऑफ द बेस्ट एंड क्यूट लेडी ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जिसकी स्माइल, ये जब मैं ये आपको बताऊंगी ना, ये शेयर करूंगी आपसे कि उनकी स्माइल मोनालिसा से मिलती थी। जी, आप समझ गए होंगे कि मैडम दीपा। पब्लिक के पुरजोर इसरार पर कि आप दीपा जी की बायोग्राफी जरूर शेयर करें, तो मैंने आज सोचा कि इसके बगैर तो मैं वीडियो बनाऊं ही नहीं। दीपा जी ने 1962 में फजल करीम फजली की फिल्म चिराग जलता रहा में दीबा बेगम और जेबा भाभी और मोहम्मद अली, इन तीन आर्टिस्टों को उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और फिल्म सुपरहिट गई। और इस तरह इन दोनों तीनों आर्टिस्टों का फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन हुआ और उसके बाद ये पर्दा स्क्रीन पे छाए ही रहे। जेबा मोहम्मद अली भी, दीबा बेगम भी, और उनका अपना अपना एक स्टाइल था और तीनों आर्टिस्ट कमाल के आर्टिस्ट थे। दीबा बाजी की जो परफॉर्मेंस थी उसमें वाकई हकीकत का गुमा होता था, खासतौर पे इमोशनल सीन्स जो करती थी बहुत फैंटास्टिक होते थे और दिल में हार्ट टचिंग होते थे, दिल में घर कर लेते थे। यानी हर शख्स को ऐसे लगता था कि जैसे उसकी अपनी कहानी बयान की जा रही है। तो मुझे उनके साथ एक फिल्म में काम करने का मौका मिला, वो फिल्म थी शिकवा। उसमें मोहम्मद अली साहब के साथ उनका पेयर था और मेरा पेयर था गुलाम मुहिद्दीन के साथ, तो बड़ा अच्छा रहा। हम सेट पे हंसते रहते थे, मजाक करते रहते थे और मुझे हंसी का दौरा जब पड़ता था ना तो मुझे डांटती थी, कहती थी खामोश काम पे हो, काम पे हो। लेकिन खास तौर पे जब रात को शूटिंग होती थी उस वक्त कोई ऐसा कंट्रोल, जो हंसी को कंट्रोल करने वाली कोई नर्व है, वो मेरा ख्याल है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती थी और हंस 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 के बुरा हाल हो जाता था। तो बड़ा अच्छा वक्त गुजरा। बड़ी पोलाइट खातून रही हैं और बड़ी आर्टिस्टिक मिजाज हैं। तो अब फिल्मों का दौर, बाद में उन्होंने यंग टोल्ड रोल भी किए, फिर एकदम पेरेंट्स रोल में आ गई। तो आजकल वो कराची में अपने बच्चों के साथ रहती हैं और अपनी जिंदगी को बड़े बच्चों की सोबत में उनके साथ उनकी कंपनी में गुजार रही हैं। और ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि इंसान अपने बच्चों के साथ अच्छा वक्त गुजारे। उनके मियाँ जो नईम रिजवी थे, हम उन्हें नईम भाई कहते थे, काफ़ी अर्सा पहले, शायद 10-15 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। बहुत अच्छे कैमरामैन थे और जो गाना था सब तो सोनिया, वो उन्होंने ही फोटोग्राफ किया था अपने काम के। वो ही वॉज परफेक्ट इन हिज वर्क और बड़ा जाफिशानी से बड़े एफर्ट करके काम करते थे और हार्ड वर्कर थे। तो इस तरह बाजी के दो बेटे और एक बेटी मदीहा। तो ये जिंदगी के, मतलब जब तक औलाद ना हो औरत कंप्लीट नहीं होती। तो उन्होंने जिंदगी का हर रंग देखा, हर दौर से गुजरी, तकलीफ का, अरूज का, मोहब्बत का, नेग्लिजेंस का, ऐसे नशेबो फराज देखे कि उन्होंने तमाम जिंदगी सब्र से काम लिया। और कहते हैं ना, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। बहरहाल बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रही हैं अपने बच्चों के साथ। अल्लाह उनको उम्र तवील और सेहत अता फरमाए, सेहत वाली जिंदगी अता फरमाए, हमारी दुआ है। हमारे मुल्क का सरमाया है, हमारी फिल्मों का एक टॉप क्लास ब्लॉकबस्टर फिल्मों की हिरन रही है, मोनालिसा की मुस्कुराहट वाली अदाकारा। अब जब वो आएंगी तो मैं इंशाल्लाह उनका बनफसे नफीस खुद इंटरव्यू करूंगी और उनसे मजे मजे की बातें पूछूंगी। और बड़ी जॉली और बड़ी विटी हैं, अच्छी बातें करती हैं।
तो बड़ी ख्वाहिश है कि मैं उनका इंटरव्यू करूं और आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि आप लोगों ने बार बार कहा है कि आप दीपा जी का इंटरव्यू क्यों नहीं करती, वो कराची में रहती हैं। तो अब मैंने जो मेरे नॉलेज में था वो मैंने आपको आपसे शेयर कर लिया, तो होपफुली जल्दी जैसे मिलेंगी मैं उनका इंटरव्यू ज़रूर करूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और अपने लेगेसी को भूलना नहीं चाहिए, अपने स्टार्स को भूलना नहीं चाहिए जिन फिल्मों ने अपने कल्चर को प्रमोट किया और अपने कल्चर को हाईलाइट किया, उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। और यही बस जिंदगी है कि इंसान माजी को भी याद रखे, फ्यूचर के लिए काम करे और हाल में खुश रहे और खूब खुश रहे और अल्लाह का शुक्र अदा करे। अपनी मेज़बान निशो को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर कोई अच्छी बायोग्राफी लेकर आऊँगी और आपसे शेयर करूँगी। उम्मीद है आप खुश हो गए होंगे, है ना? ओके, इजाज़त, बाय बाय।